नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है खबर असरदार का। लोकसभा चुनाव के लिए वोट तीसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। कुल 1331 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। पीएम मोदी के अलावा अमित शाह ने अहमदाबाद में वोटिंग में हिस्सा लिया। ये ओवरऑल रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र के महापर्व का तीसरा चरण खत्म हो चुका है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दिग्गजों के साथ ही आम लोगों ने भी अपने मनपसंद उम्मीदवारों के लिए वोट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में वोट डाला। इसके बाद उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में वोटिंग की। अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे थे। वहीं मतदान के बाद अमित शाह ने सपरिवार मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं। मसलन यूपी में मुलायम परिवार के अक्षय यादव, डिम्पल यादव, आदित्य यादव मैदान में हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले, नारायण राणे, अनंत गीते मैदान में हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े दिग्गज मैदान में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के दिग्गजों की बात करें तो ज्योत्सना महंत, सरोज पांडे, ब्रिज मोहन अग्रवाल और विजय बघेल जैसे दिग्गजों की किस्मत जनता ने तय कर दी है। तीसरे चरण में 10 केंद्रीय मंत्री भी मैदान में हैं। अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों ने वोटिंग के साथ ही जनता से भी भारी मतदान की अपील की। थर्ड फेज की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा भी हुई। बंगाल के मालदा रतुआ में बमबाजी हुई। मुंह पर गमछा बांधे व्यक्ति पर बम फोड़ने का आरोप है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इसके अलावा जंगीपुर सीट में बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष के साथ मारपीट के अलावा मुर्शिदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर भी टीएमसी नेताओं ने हंगामा किया। वहां पर टीएमसी नेताओं ने सीपीएम उम्मीदवार के सामने गो बैक के नारे लगाए। वहीं मुर्शिदाबाद की एक और पोलिंग बूथ पर सीपीएम उम्मीदवार ने एक नकली एजेंट को पकड़ने का दावा किया, जिस पर हंगामा हो गया। इन सब घटनाओं को छोड़ दें तो तीसरे राउंड में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। अब नतीजों का इंतजार है जो 4 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी लोकसभा सीट पर वोट डाला। लोकतंत्र के महापर्व की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। और इस तस्वीर के केंद्र में हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अहमदाबाद के रानीप में वोट डालने से पहले बच्चों से मुलाकात की, उन्हें ऑटोग्राफ दिया। और बड़े भाई के पैर छूकर आशीर्वाद। इस दौरान पीएम मोदी ने ये संदेश भी दिया कि मतदान कितना बड़ा दान है, कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अपना वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने जहां ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की, वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने चुनाव आयोग का भी शुक्रिया अदा किया। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में,
पूरी दुनिया में है और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में पूरे परिवार के साथ वोट डाला, साथ ही लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। 2024 चुनाव के तीसरे चरण का दिन है, मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। अभी चार चरणों के लिए वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आने, यानी लोकतंत्र के महासमर का बड़ा पड़ाव बाकी है। यही वजह है कि लगातार लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। 9 सीट पर वोटर्स ने उत्साह के साथ वोट डाला। कुल 127 प्रत्याशियों के फैसले जनता ने ईवीएम में कैद कर दिए। लोकतंत्र के महापर्व में एमपी की 9 सीटों पर वोटर्स ने उत्साह के साथ शिरकत की। तपती गर्मी के बावजूद विदिशा और सीहोर में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की। छिटपुट घटनाओं को देखें तो मुरैना में कांग्रेस नेता केपी कंसाना ने ऐदल सिंह कंसाना समर्थकों पर मारपीट के आरोप लगाए। ऐदल सिंह कंसाना के नाती हैं केपी कंसाना, तो वहीं मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने आरोपों को गलत करार दिया। साथ ही मुरैना में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। शांतिपूर्ण मतदान है, यहाँ कोई इस प्रकार की हिंसा की तो बात ही नहीं है। लोग समझदार है आजकल मतदाता। वहीं राजगढ़ से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने मतदान किया, साथ ही फिर से ईवीएम पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए। उन्होंने बीजेपी पर प्रशासन के दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। संगीन अपराध के भाजपा के नेता बाहर घूम रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में वोट डले 11 और मशीन बता रही है 50। नंबर तीन, 100 मीटर के अंदर भाजपा के लोगों को प्रचार करने की इजाजत दी जा रही है पुलिस द्वारा। इधर अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अलग अलग पोलिंग बूथ का दौरा किया और वोटिंग की प्रक्रिया को देखा, साथ ही बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। सिंधिया ने ग्वालियर में देर शाम अपना वोट डाला, साथ ही जीत का दावा किया। सभी को बधाई देता हूं कि अच्छा मतदान हुआ है तृतीय चरण में और ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, चुनाव आयोग ने जो अपील की थी, उसके आधार पर अच्छा मतदान हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा। 3 सीटों पर कांग्रेस कह रही है कि हवा बदल दी है। कांग्रेस तो कह रही थी पूरे प्रदेश में हवा बदल गई, अब 3 सीट तक समट गई। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा का अलग अंदाज देखने को मिला। विधायक यहां पर बुजुर्ग को व्हीलचेयर पर बिठाकर मतदान केंद्र ले जाते हुए नजर आए। भोपाल में ही टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग की। वोट डालने के बाद दिव्यांका ने लोगों से वोट डालने की अपील की। क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश की मैं इलेक्शन कमीशन की एम्बेसडर हूँ, तो एक तो वो मेरा रिश्ता है और दूसरा भोपाल से रिश्ता कैसे टूट सकता है, ये मेरा ननिहाल है, मेरा मायका है। वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो शाम 6 बजे तक 9 सीटों पर बैतूल में 68.47% वोटिंग हुई है। 2019 की बात करें तो यहाँ 78.18% वोटिंग हुई थी। भिंड में 51.34% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 54.42% वोटिंग हुई। भोपाल में इस बार 58.42% वोटिंग हुई है, 2019 में 65.7% वोटिंग हुई थी। गुना में इस बार 69.72% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 70.32% वोटिंग हुई थी। ग्वालियर में 57.86% वोटिंग हुई है, 2019 में यहां 59.78% वोटिंग हुई थी।
मुरैना की बात करें तो यहां 55.69% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 61.89% वोटिंग हुई थी। राजगढ़ में इस बार 72.08% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 74.39% वोटिंग हुई थी। सागर में 61.70% वोटिंग हुई है, 2019 में यहां 65.51% वोटिंग हुई थी। दिशा की बात करें तो यहां 69.20% वोटिंग हुई है, 2019 में यहां 71.79% वोटिंग हुई। तो वोटिंग हो गई है, जो बढ़ भी सकती है। कुल मिलाकर जनता ने अपना मत दे दिया है। अब इंतजार 4 जून का है, जब नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण में 7 सीटों पर वोटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। तीसरे रन का कुल 168 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में वोटिंग हुई। पहले चरण में केवल 1 सीट पर, जबकि दूसरे चरण में 3 सीटों पर वोटिंग हुई थी और आज तीसरे चरण में बाकी की सीटों पर वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर वोटर्स का उत्साह देखने को मिला। उत्साह का आलम ये था कि कोरिया के शेरडांड मतदान केंद्र पर सुबह 9 बजे ही 100% मतदान रिकॉर्ड किया गया। देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटे मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 5 थी और सभी एक ही परिवार के थे। सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। वहीं राजधानी रायपुर में वोटर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ थर्ड जेंडर के लोग भी वोट डालते हुए देखे गए। उधर कोरबा में तपती गर्मी पर वोटर्स का उत्साह भारी दिखा। मतदान केंद्र पर लंबी कतार में लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, जबकि बलरामपुर में 5 पीढ़ी ने एक साथ मतदान केंद्र पर वोट डाले। ओवरी गांव के सेमली मतदान केंद्र पर सबसे बुजुर्ग वोटर लीला सिंह ने, जबकि 5वीं पीढ़ी के अमन सिंह ने वोट डाला। बलरामपुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोग बिना डर के वोट डालते हुए देखे गए। यहां सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन कैमरे से मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही थी। सीएम विष्णुदेव साय ने भी जशपुर के बगिया में वोट डाला। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया कि सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ के भाग लें, सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उपयोग करें। बिल्कुल 400 पार होगा और छत्तीसगढ़ की सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पाटन के कुरुदडीह में वोट डाला। भूपेश बघेल के साथ उनकी पत्नी ने भी मतदान किया। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद यदि प्रधानमंत्री MMMMM कर रहे हैं, मा कर रहे हैं, मटन मछली मुर्गा मंगलसूत्र, तो उसके अलावा कोई उनके पास कोई विजन रहा नहीं है, जबकि आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। राजनांदगांव जीत रहे हैं। रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में, तो वहीं महासमुंद से कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने परिवार के साथ दुर्ग में वोटिंग की। सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज पत्नी के साथ स्कूटी से मतदान केंद्र पहुंची और मतदान के बाद कुलदेवी मंदिर में पूजा की, जबकि कोरबा में बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे अलग अलग बूथों पर मतदान का जायजा लेती हुई देखी गयी। एक दो जगहों पर वोटिंग के दौरान विवाद भी हुआ। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी पुरानी बस्ती सरस्वती स्कूल में धरने पर बैठ गए। विकास उपाध्याय ने सरकारी कर्मचारियों पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के आरोप लगाए, तो वहीं मुंगेली में पथरिया के चोर भट्टी गांव में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इन घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। वोटिंग परसेंट की अगर बात करें तो बिलासपुर में इस बार 60.05% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 64.44% वोटिंग हुई थी। दुर्ग में इस बार 67.33% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 71.74% वोटिंग हुई थी। जांजगीर चांपा में इस बार 62.44% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 65.76% वोटिंग हुई थी। कोरबा की बात करें तो इस बार 70.60% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 75.35% वोटिंग हुई थी। रायगढ़ में इस बार 76.38% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 77.70% वोटिंग हुई थी।
रायपुर में 61.25% वोटिंग हुई है। 2019 में यहां 66.12% वोटिंग हुई। सरगुजा में इस बार 74.17% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 77.37% वोटिंग हुई। हालांकि ये शाम 6 बजे तक की वोटिंग परसेंट है, जो बढ़ भी सकती है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा का संग्राम तीसरे राउंड में खत्म हो गया। अब प्रत्याशियों के साथ ही आम लोगों को भी नतीजों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।